नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण और मारपीट मामले में राजू सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में वारंट और कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था। ऐसे में बता दें कि कोर्ट से पुलिस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीधे तौर पर जो ये मांग की गई थी कुर्की जब्ती और वारंट का, उसको खारिज कर दिया गया है और इसके बाद जो है पुलिस को निराश होना पड़ा है। ऐसे में बता दें कि लगातार जो है इस पर कार्रवाई की पुलिस मांग कर रही थी। राजू सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भी कई जगह छापेमारी चल रही थी। छपरा से मुजफ्फरपुर तक यह छापेमारी चल रही है। ऐसे में अब पुलिस को बड़ा झटका लगा है, पुलिस को निराश होकर लौटना पड़ा है। आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण कांड में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ा झटका लगा है। 3 दिन से कोर्ट में साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत 6 कार्यकर्ताओं की कुर्की जब्ती का वारंट के लिए भागदौड़ कर रही पुलिस की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस की ओर से सौंपी गई केस डायरी में दिए गए साक्ष्य से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ है, इस कारण अर्जी खारिज कर दी गई है। वहीं विधायक की ओर से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में आज कोर्ट क्या फैसला सुनाती है इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन पुलिस जो मांग कर रही थी कि उनके गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी की जाए, साथ ही घर की कुर्की जब्ती का आदेश भी दिया जाए, इस पर अब पुलिस को निराशा हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने एक ही अर्जी में विधायक और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट और कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था। अर्जी खारिज होने के बाद जो है पुलिस को विधायक राजू सिंह का ना तो वारंट मिला और ना ही कुर्की जब्ती का आदेश मिला। बुधवार शाम जो बता दें कि सरिया SDPO कुमार चंदन और कांड के IO दरोगा पुरुषोत्तम कुमार को निराश होकर लौटना पड़ा। लगातार तीसरे दिन विधायक के वकील विनोद कुमार सिंह ने पुलिस की अर्जी पर बहस की। SSP राकेश कुमार ने बताया है कि अब विधायक और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सख्त रुख अपनाए हुई है। बता दें अब उन्हें भी थाने लाकर पूछताछ की जाएगी जो लगातार आरोपियों के संपर्क में है। बता दें कि बीते 25 मई को आरजेडी नेता तुलसी राय ने पारू थाना में FIR दर्ज कराई थी। तुलसी यादव ने FIR में विधायक राजू सिंह के साथ शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन ठाकुर को नामजद आरोपी बनाया था। इधर विधायक के आवास पर छापेमारी इनमें मिली राइफल को मुक्त कराने के लिए बड़ा दाऊद के अनूप कुमार सिंह की ओर से भी बुधवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट ने पारू पुलिस से रिपोर्ट मांगा था। सशस्त्र दंडाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में बता दें कि अब जो है लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन उधर आज कोर्ट जो है उस पर सुनवाई करेगी कि जमानत के लिए जो अर्जी दाखिल की गई है उस पर क्या कोर्ट फैसला सुनाता है, इसका भी लोगों को इंतजार है। ऐसे में अब जो कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी पुलिस की तरफ से, जिसमें 6 लोगों को, राजू सिंह समेत 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, उनके घर की कुर्की जब्ती और वारंट के लिए पुलिस भागदौड़ कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पुलिस को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने सीधे तौर पे खारिज कर दिया है और पुलिस को ना तो वारंट मिला और ना ही कुर्की जब्ती का आदेश मिला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या खुलासा होता है और क्या रंग लाता है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।